लूज होना बराबर है। बराबर है, चलता अम्मी का अल्लाह अच्छा। माम को याद कर सताना को, अच्छा पढ़ो, अच्छा स्कूल को जाओ, मेरे को रोज वीडियो कॉल करना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आज आ गई हूँ एयरपोर्ट के लिए और मेरी आज है फ्लाइट दुबई की। तो आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो डू चेकआउट। और अभी हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। लूज कर जरा, अर्जेंट डालना। अभी मैं फ़्लाइट के लिए अंदर जा रही थी और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वो भी मैं अलाइना के साथ फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो हम यहाँ पर गुस्सा कर रहे थे कि रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब मैं उरुज को बाय कर रही थी। मतलब मेरे दिल का जिगर का टुकड़ा मतलब मेरे से दूर जा रहा था, मैं उससे दूर जा रही थी। बट यहाँ पर मैंने उरुज को समझाया, अम्मी ने समझाया और बस यहाँ पर उनको मैं बाय बोल रही थी, अलविदा कह रही थी। यहाँ पर विजिटर्स को अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर ठहरे थे अम्मी भाई सब लोग। और बेचारी ये भैया मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, सामान मेरा यहाँ पर ले जा रहे थे। जा खाती, अल्लाह हाफिज़। जब मैं अंदर जा रही थी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट फ्लाइट। आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो गया, अलाइना का इमिग्रेशन हो गया और अभी मैं सीधा फ्लाइट की तरफ जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं अपनी जर्नी कभी नहीं भूलूंगी। और अलाइना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डर गई थी मैं, इट्स माय फर्स्ट फ्लाइट, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। इंशाल्लाह फिर आपको मैं फ़्लाइट में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के साथ इस व्लॉग के जरिए से मेरा जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो आपको सबसे पहले ना बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपका लगेज चेक इन होगा, उसके बाद इमिग्रेशन होगा। मेरा इमिग्रेशन हो गया था और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ से सीधा अभी अपनी फ़्लाइट नंबर जहाँ आने वाली है वहाँ पर वेटिंग एरिया में जा रही थी। और इन्फेंट वालों के लिए इस तरह की कार मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, और मैं अलाइना यहाँ पर बैठ गए थे आराम से। और ये वाली जो कार थी हम लोगों को हमारी फ़्लाइट की जो स्टेशन है, मतलब फ़्लाइट जहाँ पे हमारी आएगी वही उसी नंबर पे ले जाके वहाँ पर हमें छोड़ने वाली थी। कार से मैं उतर गई थी और लिफ्ट से मुझे जाना था ग्राउंड फ्लोर, और ये लिफ्ट यूज़ करते हुए मैं आ गई थी अभी वेटिंग एरिया पे। और मैं और अलाइना अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। ये रहा हमारा वेटिंग एरिया और यहाँ पर मेरा जो हैंड कैरी लगेज था वो है, अलाइना का डायपर बैग है और मेरा बैग है। इतनी सारी चीज़ें मैं कैरी कर रही थी, थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रहा था, बट लोगों ने मुझे वहाँ पर बहुत हेल्प की। कौन सी हमारी फ्लाइट, हमारी कौन सी प्लेन? हाँ
वेटिंग हॉल से सीधा बस में हम लोग बैठ गए थे, बस से सीधा अभी हमारी फ्लाइट के पास आ गए और यहाँ पर देख सकते हैं सारे हमारे पैसेंजर्स को, पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे थे और मैं लाइना यहाँ पर फोटोज वीडियोस ले रहे थे। और बस अभी मैं भी प्लेन में जा रही हूँ और यहाँ पर मेरी बहुत लोगों ने हेल्प भी की थी क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी था, इन्फेंट था, तो सब लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरा हैंड कैरी भी मुझे हेल्प कर रहे थे उठाने में। और यहाँ पर सब लोग जो है ना अभी एंटर हो रहे हैं हमारी फ्लाइट में और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अलाइना के साथ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इंटरनेशनल ट्रैवल पे। तो चलिए अभी अंदर मैं जाती हूँ, फ्लाइट बताती हूँ आपको अंदर से कैसा है और मेरा पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली प्लेन के अंदर मैं आ गई थी और 27F यानी मेरी विंडो सीट थी। As the delivery of this aircraft is in progress, regulations require you to be seated. Please unfasten your seatbelt, refrain from smoking, and using any electronic equipment and mobile phone. Namaskar. कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें। रो ए आज उनको कृपया बदल, हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं और हम में से कुछ एक्टिविटी बोल सकते हैं। हम आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट एड तक इस विमान पर आपकी देखभाल करेंगे। आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। जल्द ही आइए Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 16146. The
Mumbai is 3 hours and 40 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. Our aviators today are Captain Naveen Priyadarshi and First Officer Ashutosh Shalini Rishika Himani. Finally, cabin crew speak English and Hindi. And some of us... अभी हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी और मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, इट्स नॉट इजी जॉब टू ट्रैवल विथ इन्फेंट, वो भी अलोन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे तो बहुत सारी डिफिकल्टी उठानी पड़ी, बट एनी हाउ मैंने मैनेज किया। मुझे बहुत सारे लोग जो मेरे को पैसेंजर्स थे उन्होंने भी हेल्प किया अलाइना को लेने में, और अलाइना को ना मैंने पूरी रात जगाए रखा था। नमस्कार, आशा करते हैं ये रिपोर्ट आपके जीवन में नई मिठास लाए। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, may this festival of lights bring you the sparkle of light and joy. We wish you all a radiant Diwali. Thank you. कृपया अपनी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के उपकरण। कीप योर सीट बेल्ट फास्टन्ड एट ऑल टाइम्स। इन केस ऑफ लो कैबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप ऑटोमेटिकली फ्रॉम द पैनल अबव। पुल अ मास्क डाउन शार्पली टू स्टॉप द ऑक्सीजन फ्लो। कवर योर नोज एंड माउथ। ब्रीथ नॉर्मली। Wear your mask first before assisting others and remove your face mask beforehand. There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 forward, 2 rear and 2 over the wings on both sides. The nearest exit can also be behind you. The escape path marking system guides you to the nearest exit. In the unlikely event of a water landing, the aircraft has slide rafts and a life raft. Safety instructions and an information guide are available in Braille. In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist. Inflate by pulling the red tabs or blowing into the inflation tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. Board the nearest raft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. Use electronic devices only in flight mode. Switch off and stow devices without flight mode, except electronic entertainment devices, which can be used after takeoff. Smoking, including e-cigarettes and consumption, prohibit any unauthorized or unintentional use, tampering or damaging any safety equipment, emergency exits, or aircraft systems. Tampering may cause regulatory action and delays as a result. और कभी भी आप अगर अलोन ट्रैवल कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो आप अपना स्ट्रोलर ज़रूर रखें। मैंने गलती की कि मैंने स्ट्रोलर नहीं लिया था और मैंने थ्रू आउट द जर्नी अलाइना को कैरी किया। बट मैंने अलाइना को क्या किया ना, मेरी मॉर्निंग वाली फ़्लाइट थी, 7 o'clock वाली फ़्लाइट थी, तो मुझे ना एयरपोर्ट में 3 to 4 o'clock को मैं आ गई थी और सारा प्रोसेस होने में मुझे आराम से 2 से 3 घंटे लग गए। तो अलाइना उस टाइम पे जागी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी मतलब इतना ज़्यादा सताया नहीं अलाइना ने, बस मैंने उसको फीड कराया था। और यहाँ पर एयरपोर्ट में ना वो लाइट्स वगैरह देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसने कैसे भी करके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया वहाँ से। और फिर जैसे ही हम लोग फ्लाइट में बैठे तो अलाइना को ना नींद आने लगी थी, तो मैंने उसको फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले थोड़ा सा फीड करा दिया था एंड वो प्लेन में थ्रू आउट द जर्नी माशाल्लाह सो गई थी। तो कुछ इस तरह से मैंने ना अलाइना के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट की। और देख सकते हैं अभी मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है तो सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं प्लेन की एंड माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा। और बस अभी प्लेन हमारी उड़ने वाली है।
हाँ, सिर्फ क्लाउड से क्लाउड से। एकदम झटका लगा। हाँ माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। नंबर वन एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। क्लाउड्स देखो फ्रेंड्स। देखते ही देखते हमारा प्लेन उड़ गया था, बादलों के बीच में आ गया था। उसी टाइम पे उन लोगों ने ब्रेकफास्ट सर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ऐड ऑन सर्विस थी जो कि हम लोगों ने ऐड किया था, और मैंने कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट और मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही थी व्यू। ओवरऑल हमारा इंडिगो का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उन लोगों ने हलाइना के लिए ना कुछ इस तरह से प्यारा सा लेटर लिखा था, देख सकते हैं, वेलकम अबो जूनियर। और ये ब्यूटीफुल सा लेटर उन्होंने लिखा था इंडिगो के स्टाफ ने, और साथ में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी दिया था। और ये ड्रिंक मैंने पहले पिया था, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, और मिक्स फ्रूट ड्रिंक था। और साथ में अलाइना के लिए कुछ इस तरह के मल्टीग्रेन वाला मिक्सचर उन्होंने दिया था। बट या दैट्स अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम इंडिगो। आई एम रियली रियली लाइक इट, एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। चलिए आपको अलाइना से मिलवाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अलाइना सो गई थी। जैसे हम लोग फ्लाइट में, मतलब प्लेन में हम लोग बैठे थे ना, तो अलाइना को नींद आ रही थी। टेक ऑफ होने से पहले मैंने अलाइना को फीड कराया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आराम से सो रही है। यहाँ पर हमारी प्लेन उड़ गई थी, तकरीबन एक दो घंटे हो गए थे हमें ऊपर आसमान में आके, और अलाइना आराम से सो रही थी। और उसके कानों में ना मैंने वो वाला हेडफोन लगाया था जिससे अलाइना के कानों में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। तो कुछ इस तरह से ना छोटे मोटे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके आप अपनी जर्नी को सेफ एंड इस जर्नी को यादगार बना सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें सर्च करके अलाइना के लिए इस तरह के हेडफोन्स लिए थे अमेज़ोन से। बस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेरी को पैसेंजर्स मेरी फ्रेंड बन गई थी। लेडी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हबीबी कम टू दुबई। कितने दिरहम है? 500। इधर हैदराबाद में एक्सचेंज करा है? एयरपोर्ट में। कितना लिया है दिरहम का? बस देखते ही देखते आ गया था दुबई, और 3 hours हो गए थे हमें जर्नी स्टार्ट किए हुए। बस अभी 30-40 minutes में जो है ना हम लोग लैंड करने वाले थे।
बस अभी हम लोग एंटर हो गए थे यूएई बॉर्डर पे। देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ वगैरह कैसे लग रहे थे, नज़ारे बहुत अच्छे थे। सबसे पहले आएगा अबू धाबी का एयरपोर्ट और उसके बाद आएगा दुबई डीएक्सपी एयरपोर्ट। और ये जो पहाड़ थे, ये सीनरीज थी, बहुत अच्छी लग रही थी जो कि हमें एंट्रेंस में देखने को मिली थी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो पहले एयरपोर्ट देखा वो अबू धाबी का एयरपोर्ट था। फर्स्ट एयरपोर्ट अबू धाबी है, उसके बाद दुबई का है। तो हम लोग वहां पर नहीं, दुबई में लैंड होने वाले हैं। तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये अबू धाबी का है, मतलब यूएई का है बट अबू धाबी का है। और उसके बाद आएगा दुबई एयरपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पूरा समंदर है और ये जहाज है पानी के। नीचे समंदर, ऊपर आसमान, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है समंदर। अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं। बट एयरपोर्ट आ गया फ्रेंड्स, हमारा दुबई डीएक्सपी एयरपोर्ट इज हियर। और अभी हम लोग करेंगे लैंड दुबई एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बुर्ज खलीफा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सामने
मैं एक मिनट में जूम करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बुर्ज खलीफा, माशाल्लाह। खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली ये जर्नी हमने कंप्लीट कर ली। वी आर इन दुबई। ये देखिए फ्रेंड्स, बुर्ज खलीफा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर है। ओहो माशाल्लाह, कितना पास से जा रही है प्लेन। हो देखिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट आ गया। Stay tuned for next vlog. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Allah Hafiz.